Assalamualaikum my YouTube family, hope you all are fine. और मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं बहुत ही स्पेशल झटपट रेसिपी बना रही हूँ जो आपको बहुत फ़ायदे देने वाली है. यस, आज मैं बना रही हूँ रोल्स. रोल्स वेजिटेबल रोल्स हैं जो कि हम आपको फ्रीज करना भी बताएंगे, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं आप लोग, ताकि जब भी कोई मेहमान आए झटपट आप फ्राई कर लें, या मेहमान तो छोड़े मुझसे खाली चाय शाम की नहीं पी जाती, तो अक्सर कुछ नहीं होता, चलो रोल्स फ्राई करके समोसे मंगा के खा लिए, कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए शाम की चाय के साथ. सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने ली हैं आधा किलो माता पट्टी, आधा किलो ही मैंने गाजरें ली हैं, और आधा किलो मैंने शिमला मिर्चें ली हैं, आधा ही किलो मैंने आलू लिए हैं, और एक वो जो कैबेज का वो बंद गोभी जो होती है और उसका एक बाउल कह सकते हैं किन से, एक फ्लावर जो भी है, लेफ्ट ओवर चिकन है, ज़रूरी नहीं है ये, मेरी घर में बची हुई थी, मैंने वॉश करके, मैंने कहा रेसिपी में लोगों को बताया जाएगा लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए. ये मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ लहसुन पाउडर है, बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, मेरी अम्मी को बहुत शौक है इस तरह के काम करने का, इसलिए ये मेरे घर का बना हुआ है. ये काली मिर्ची हैं, ये क्या है भाई, ये है चाइनीज़ सॉल्ट अजीनोमोटो, और ये है आपका चिकन पाउडर, आई फॉरगेट नमक एंड चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका प्लस ऑयल. सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. सो ये है हमारी कढ़ाई, और इसमें मैं डालूंगी अब ऑयल. सबसे पहले आई ऐड गाजरे, क्योंकि गाजरों को थोड़ा सा हम सौते करेंगे, इनको गलने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम गाजरे डालेंगे. ओके, दो मिनट तक मैंने इसे अच्छे से सौते किए. अब मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्ची. शिमला मिर्ची के साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें आलू, ठीक है, और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम. कितनी ज़बरदस्त मिर्ची का कलरफुल लग रहा है ये. एनीवे, नाउ ऐड 2 tablespoons black pepper, 1 tablespoon lehsun powder, chicken powder, और obviously हम डालेंगे हसबे जायका चाइनीज सॉल्ट एंड हसबे जायका डालेंगे हम अपना नमक, पाकिस्तानी नमक. नाउ हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं. इट्स लुक सो प्रीटी, है ना, कितने मजे का कलर लग रहा है. अब इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे बंद गोभी, और इसको भी हम मिलाएंगे. तो ये मिक्स हो गया है अच्छे से, हमने सब मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे. तब तक आप अपने बर्तन धो लें या कपड़े इस्त्री कर लें. 10 minutes आर ओवर. एट दैट टाइम हम डालेंगे लेफ्ट ओवर चिकन, इसके बाद हम डालेंगे अपना सिरका, तकरीबन 1 से 2 tablespoons आप डालें सिरका, और इसी तरह आप तकरीबन 2 tablespoons ऐड सोया सॉस. अब इसको मिक्स कर लें और चूल्हा ऑन ऑफ कर दें. ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसमें से धुएं बहुत निकल रहे हैं, तो अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम फिल अप करेंगे अपनी माटा पट्टी में. सो हमारा ये जो बैटर था ये तकरीबन ठंडा हो गया है. अब हमने 1 tablespoon आटा लिया है, और आटे की हम लई बनाएंगे. देखें ये हमें इस पे चिपकाने में हेल्प करेगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने माटा पट्टी को डायगनल शेप में रखना है, उसके बाद आपने 4 sides पे ये लई सी लगानी है जो हमने आटे की बनाई है. ये बहुत बचपन में हम छनिया इससे लगाते थे.
ये काफ़ी स्टिकी होती है। अब ये हो गया है, अब इस पे हम अपना अच्छे से, हमने जितना भी आप चाहें आप इस पे लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आपने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, हमारा रोल रेडी है। तो मैंने ये रोल्स बना के रख लिए हैं, इसमें से ये मैं ट्रे फ्रीज कर दूंगी और कुछ रोल मैं आपको फ्राई करके अभी दिखा देती हूँ। आधा किलो माटा पट्टी में तकरीबन 20 बने हैं मेरे रोल्स, जिसमें से 5 मैंने फ्राई कर लिए हैं और बाकी मैं आपको फ्रीज करके दिखाऊंगी। नाउ यू कैन चेक गाइस, ये मेरी फ्रीज्ड फॉर्म है, अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। इसको आप इस ट्रे से निकाल के या तो कंटेनर में भी रख सकते हैं या ज़िप्लॉक जो बैग्स होते हैं उसमें रख लें। और यहाँ हमारे वेजिटेबल रोल्स आर रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।